Hello, good morning to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोगों को वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर के प्रोडक्ट बनने हैं। तो वेक्टर के प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं वीडियो को देखो पूरा से पूरा, और वीडियो अगर पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। एक बात और कि आप जो भी वीडियो देखोगे वो रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट से देखोगे। अपने चैनल पे जाओ प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में टॉपिक बाय टॉपिक सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उस प्लेलिस्ट को आप सेलेक्ट करो और सिक्वेंसली वीडियो देखो। हर एक चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जैसे वेक्टर हो गए, काइनेमेटिक्स हो गए, यूनिट डायमेंशन हो गए, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक जाकर के प्लेलिस्ट से टोटल वीडियो देखो ताकि परेशानी ना हो। ऐसे रैंडमली इधर उधर से वीडियो देखोगे समझ में नहीं आएंगी, दिक्कत होगा, परेशान होगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, वेक्टर के प्रोडक्ट हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में 3.2 या 3×2 दोनों का मतलब एक ही होता है। आप डॉट के थ्रू गुना करो या क्रॉस सिंबल यूज करके गुना करो, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वेक्टर के सेंस में अगर दो वेक्टर को हम डॉट के थ्रू गुना कर रहे हो या दो वेक्टर को क्रॉस के थ्रू गुना कर रहे हो, आकाश पाताल का अंतर आ जाता है। तो आज अपने को पढ़ना क्या है, वेक्टर का प्रोडक्ट, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो फटाफट से कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें से आज अपने को पहला प्रोडक्ट पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, सही। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, कैसे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जरा गौर से समझेंगे। जैसे मान लो अपने पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। क्योंकि वेक्टर में थीटा का एक बहुत ही अहम रोल होता है, थीटा के हिसाब से वैल्यू बहुत चेंज होते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्ट एट एंगल थीटा, देन ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, क्लियर। यहां पे ध्यान दे कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर आता है, जब भी दो वेक्टर को घटाते हैं रिजल्ट एक वेक्टर आता है। लेकिन जब हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू गुना करेंगे तो रिजल्ट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आता है। मींस जब भी दो वेक्टर को डॉट से गुना करेंगे तो रिजल्ट में हमने को डायरेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो नंबर आने वाला है स्केलर, केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिखाएगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्या देता है, दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अपने को प्रोवाइड करता है। जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हो, वर्क डन एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो कि फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। फोर्स का डॉट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से तो क्या निकल के आता है, वर्क।
वर्क, और जानते हो कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपके पास एक लाइव एग्जांपल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क आता है, और जानते हो कि वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कितना नोट करेंगे पहले, चलिए अब आगे बढ़िए। इसमें कुछ चीजें अपने को करनी है। अब आप देखो ए डॉट बी अपने पास कितना है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। इसमें आप अलग अलग केस करो, तो केस वन इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा जीरो डिग्री है मतलब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर है, दैट इज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, दोनों वेक्टर क्या होंगे पैरेलल होंगे। उस केस में ए डॉट बी वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, मीन्स उस केस में ए डॉट बी क्या निकल जाएगा, ए बी, ए डॉट बी क्या निकल जाएंगे ए बी, और ये दो वेक्टर का क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू इन द सेंस कि जब दो वेक्टर को जोड़ रहे हो, ए और बी तो फिक्स है ना, यहाँ पर डिपेंड क्या हो रहा है कॉस थीटा वेरिएबल है, कॉस का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगा, और अब जानते हो कि कॉस का वैल्यू मैक्सिमम वन होता है और वो जीरो डिग्री पर होते हैं, इसी कारण जब जीरो डिग्री पर दो वेक्टर अगर प्रोडक्ट हो रहा है डॉट के थ्रू तो वैल्यू आएगा कितना, सिंपल ए इंटू बी और डेडी मैथ की तरह, और ये मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड करके देगा, सही। इसका मतलब अगर हम करें आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ डॉट, आई मतलब एक्स डायरेक्शन का वेक्टर मैग्नीट्यूड वन, जे मतलब एक्स डायरेक्शन, सॉरी आई मतलब फिर से एक्स डायरेक्शन का वेक्टर मैग्नीट्यूड वन, आई डॉट आई का वैल्यू कितना आने वाला है वन, जे डॉट जे का वैल्यू वन एंड के डॉट के का वैल्यू वन। तो जब भी दो वेक्टर का हम डॉट करते हैं आई का आई से, जे का जे से और के का के से, तो रिजल्ट क्या आते हैं हमेशा यूनिक, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के। इसमें केस सेकेंड करें, केस सेकेंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है जीरो। इस केस में ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो, ए डॉट बी कितना आ जाएंगे जीरो। अब एक चीज देखो, इसका मतलब जब भी दो वेक्टर को हम गुणा कर रहे हैं, जब भी दो वेक्टर को गुणा कर रहे हैं और रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो एक चीज गांठ बांध लोगे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है। थीटा इक्वल टू 90 दैट इज बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों का दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आई डॉट जे मतलब एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन के साथ वैल्यू क्या होगा जीरो, जे डॉट के वैल्यू क्या होगा जीरो, और के डॉट आई वैल्यू क्या होगा जीरो। मतलब डॉट प्रोडक्ट में सेम का सेम से गुना वन देता है और सेम का दूसरे के साथ गुना क्या देता है जीरो देता है। क्यों, क्योंकि आई का जे के साथ एंगल 90 है, जे का के साथ एंगल 90 है और के का आई के साथ एंगल 90 है, cos 90 वैल्यू हो जाएंगे जीरो। क्लियर, नोट करें। अब तीसरा केस हम नहीं डील कर रहे हैं कि 180 होगा तब 180 मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उस केस में cos 180 वापस से क्या होता है या कर ही देते हैं लोग,
केस टू हो गए, ये रिजल्ट याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट एंड ये रिजल्ट डॉट में सेम का रिजल्ट वन होता है, दूसरे के साथ रिजल्ट जीरो होता है। चलिए अब आगे आप पढ़ जाओ केस थ्री में, केस थ्री इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, एक वेक्टर ऐसा होगा और दूसरा वेक्टर ऐसा होगा। इस केस में ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस 180, जानते हो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, मीन्स ए डॉट बी वैल्यू कितना हो जाएगा, -ab, ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -ab, और ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू आपका मिनिमम आएगा, ये वैल्यू मिनिमम आएंगे। मींस आप दो पॉइंट देख लिए, तीन पॉइंट एक्चुअली, कि जब दो वेक्टर डॉट के थ्रू 0 डिग्री पर गुना होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू मैक्सिमम देंगे, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे गुना होगा डॉट के थ्रू तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा जीरो आएगा, और तीसरा जब दो वेक्टर 180 पे एक्ट होंगे, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर होगा, उस केस में गुना -ab होगा और ये रिजल्ट उस दोनों का मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर, ये रहे आपके पास डॉट प्रोडक्ट के तीन अलग अलग केस। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से, ये बेसिक डिफिनीशन है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर वेक्टर इफ ए कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है a1i + a2j + a3k, बी कोई वेक्टर है b1i + b2j + b3k, देन अगर ए वेक्टर अपने को यहाँ पर दो वेक्टर को गुना हम कर रहे हैं, ये कब कर सकते हैं, जब दोनों के बीच एंगल दे दिया होता, दोनों के बीच एंगल दे दिया होता, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गुणे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस। लेकिन अगर वेक्टर अपने को इस फॉर्म में देते, ए इतना बी इतना, देन एक रियल निकल के आया, कौन देखोगे, ए डॉट बी, अपने को अगर ए डॉट बी निकालना हो तो क्या करेंगे, करें a1i + a2j + a3k का डॉट करना है b1i + b2j + b3k, डॉट कर दिए। अब जैसे गुना करते हो वैसे गुना करो, ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, a1b1 i.i + a1b2 a1b2 i.j + a1b3 a1b3 i.k, इसका इस तीनों के साथ गुणा कर दिए, प्लस a2b1 j dot i plus a2b2 j dot j plus a3b3 sorry a2b3 j dot k plus a3b1 k dot i plus a3b2 k dot j plus a3b3 k dot k, और ऑर्डिनरी में जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना कर दिए, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, बीच में डॉट था सब जगह डॉट के साथ गुना कर दिए। लेकिन लेकिन यहाँ देखो i का j के साथ डॉट हो रहा है, i डॉट j क्या हो जाएगा, 0, i डॉट k क्या हो जाएंगे, 0, j डॉट i 0, फिर j डॉट k 0, k डॉट i 0 और k डॉट j 0,
क्योंकि जैसे ही आप अभी पीछे केस देखे हो, आई का जे से जे का के से के का आई के साथ डॉट क्या होता है, जीरो। क्यों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होने के कारण। दो वेक्टर का डॉट 90 पर क्या होता है, जीरो। तो आई से जे वाला जीरो, आई से के वाला जीरो, जे से आई वाला जीरो, जे से के वाला जीरो, के से आई वाले जीरो और के से जे वाले जीरो, इतना टर्म जीरो हो गया। वैल्यू क्या बचेगा, ए वन बी वन और आई डॉट आई कितना होता है वन, प्लस ए टू बी टू, ए टू बी टू इंटू जे डॉट जो जे डॉट जे क्या होता है वन, और प्लस ए थ्री बी थ्री के डॉट के वन। मीन्स रिजल्ट आ गया ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री ए डॉट बी। देखो क्या देख पा रहे हो, जब भी दो वेक्टर को गुणा कर रहे हो, जब वो आई जे और के के साथ दिख रहे हैं, आई वाले का एक साथ गुणा कर दो, देखो ए वन बी वन, जे का जे वाले के साथ गुणा कर दो ए टू बी टू, और के वाले को के साथ गुणा कर दो ए थ्री बी थ्री, और सबको आपस में जोड़ दो। ये क्या दिखा रहा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। कब? जब आई जे और के फॉर्म में दोनों वेक्टर दे रखा हो तब। एक बार बाई प्रोसेस हम इतना कर दिए हैं, बट आगे से जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़े, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़े, तो रिजल्ट हमेशा यही यूज करोगे, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, मतलब दोनों वेक्टर का आई कंपोनेंट प्लस दोनों वेक्टर का जे कंपोनेंट और प्लस दोनों वेक्टर का के कंपोनेंट के गुणा का समेशन। क्लियर? एक चीज और पहले इतना नोट करें, या यहाँ पे आ जाओ, अपने पास है स्पेस। अभी देखते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एंड वापस से भी देख रहे हो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। दोनों तो आप डॉट ही निकाले हो ना, दो अलग अलग प्रोसेस से, तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख लोगे, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालना पड़े, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो आप इजीली काम कर सकते हो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री और होल डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर ए का मॉडुलस इनटू वेक्टर बी का मॉडुलस, है ना। ए इनटू बी का मतलब हुआ वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस। और ए वन बी वन क्या है, ए वन है वेक्टर ए के आई कंपोनेंट, ए टू है वाई कंपोनेंट और ए थ्री है जेड कंपोनेंट। वैसे ही बी वन है एक्स कंपोनेंट, बी टू है वाई कंपोनेंट एंड बी थ्री है के कंपोनेंट। तो यहाँ से दो वेक्टर के बीच अगर तुम्हें एंगल निकालने को पूछे, एक वेक्टर इतना है दूसरा वेक्टर इतना है, तो दोनों का एंगल बताओ कि दोनों आपस में कितने डिग्री के एंगल पे हैं। तो एक चीज गांठ बांधोगे, जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल पूछे, तो एंगल पूछने के लिए तुरंत दिमाग आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार डॉट करना जानते हो ए बी कॉस थीटा से, और एक बार डॉट करना जानते हो इस फॉर्म में ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, दोनों को इक्वेट करेंगे अपने को दे देगा कॉस थीटा। क्लियर? नोट फास्ट। क्वेश्चन पूछ करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू थ्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यस थ्री को फोर कर दो, देन फाइंड
a dot b। एक चीज ध्यान दोगे, दो वेक्टर का डॉट हमेशा एक स्केलर आता है, मतलब अच्छी बात है कि हमें यहाँ डायरेक्शन का कोई लोचा लगाना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं रहेंगे, वीआर केवल आएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब यहाँ तो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, एंगल दे दिए, ए डॉट बी आपसे मांग रहा है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू 4 इंटू कॉस 60, कॉस 60 5 गुने 4 गुने कॉस 60 हाफ 10 यूनिट, जो भी वैल्यू हो ए डॉट बी कितना आ गया 10 यूनिट। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड बी इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 8k देन फाइंड ए डॉट बी ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, ट्राई करो तो बनाने का जल्दी। चलो हम ही कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन देंगे होमवर्क करोगे, और होमवर्क करने के लिए कहीं से ना कहीं से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पूरा पूरी मैथमेटिकल टर्म है, जब तक कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप करोगे नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। वीडियो देखोगे नया क्लास हम समझ रहे हैं, खुद से बनाने बैठोगे बनेगा नहीं, तो न्यूमेरिकल करने में कोई कंजूसी नहीं। चलिए अब यहाँ देखो, ए और बी के बीच में कोई एंगल आपको दिख नहीं रहा है, तो आप ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा वाला फंडा नहीं लगा पाओगे। यहाँ पर ए डॉट बी निकालने के लिए कौन सा फंडा यूज करोगे, ए वन बी वन, मतलब एक बार लिख दोगे इस फॉर्म में 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट 3i प्लस j प्लस 8k। लेकिन डायरेक्टली गुना कैसे करते हैं, i का i के साथ गुना, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू जे का मतलब हुआ यहाँ 1 है ना, 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8 6 प्लस 3 प्लस 8 बच्चे 40 6 3 9 49। ए डॉट बी क्या निकल गया 49 यूनिट, जो भी हो एक आंसर तो ये निकल गए, एक आंसर ये निकल गए। नाउ पहले वेक्टर ए का मॉडुलस निकालो, क्योंकि एंगल निकालने के लिए वेक्टर ए का मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस निकालना बहुत आसान है। वेक्टर ए का मॉडुलस कितना हो जाएगा, ओवर रूट 2a² प्लस 3a² प्लस 5a² मींस ओवर रूट 4 प्लस 9 प्लस 25 सही है, 9 4 13 5 18 38 सही है क्या, 9 5 13 5 18 8 2 1 3 ओवर रूट 38। वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ओवर रूट 3a² प्लस 1a² प्लस 8a² मींस ओवर रूट 9 प्लस 1 प्लस 64 9 10 74 74 ओवर रूट 74। इसलिए एक चीज देखो, आप अभी देखते हो कॉस थीटा क्या होता है, या फिर यहां से कर दो ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा,
a dot b by ab, a dot b by ab, a dot b आपने निकालने हो, a dot b कितना है 49, a dot b है 49 by ab, a का मैग्नीट्यूड ओवर रूट 38, ओवर रूट 38 गुने ओवर रूट 74, जो भी हो तो यहां से आपके पास निकल गया cos थीटा इज इक्वल टू 49 बटा ओवर रूट 38 गुना 74। अब ये तो स्टैंडर्ड एंगल है कि नहीं, स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं कि आप इसका एंगल निकाल दोगे। यहां मान लो कि 1/√2 आया, बोल देते 45 डिग्री, 1/2 आता बोल देते 60 डिग्री, बट कोई स्टैंडर्ड एंगल आया नहीं, इसी को मैं छोड़ देंगे। cos थीटा बराबर इतना इस दोनों वेक्टर के बीच क्या है, एंगल है। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूरा कांसेप्ट दिखा रहा है कि कैसे दो वेक्टर में हम डॉट करते हैं। डॉट करने के लिए अगर एंगल दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, तो सीधा यूज कर दो AB cos थीटा। अदरवाइज IJK में वेक्टर दिया हुआ है तो आई का आई से, जे का जे से और के का के से गुणा करके जोड़ दो, निकल जाएगा डॉट। और वापस से एंगल निकालने के लिए cos थीटा निकाल दो, तुम्हारा निकलेगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर? एक दो क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क के लिए, खुद से प्रैक्टिस करोगे। इफ a इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k एंड b is equal to minus i plus 2j plus 3k, then find a dot b and angle between them। पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लो, if a is equal to 3i plus या 5i plus 6k and b is equal to j plus 2k, j plus 2k, then find, same question, a dot b and angle between a एंड b। ध्यान देना इसमें i कंपोनेंट है और k कंपोनेंट है, j नहीं है, मतलब j क्या है, जीरो है। इसमें j कंपोनेंट है और k कंपोनेंट है, मतलब क्या है, i नहीं है, i नहीं है, मतलब क्या है, i जीरो है। तो ऐसा मत करना सीधे 5×1 और 6×2 कर देना, वो कब करते हैं, जब हम वेक्टर को i के i से गुणा करते हैं। इसमें i था ही नहीं, अपना सोच लोगे डायरेक्टली कुछ करोगे, हमें गुना करने के लिए आई जे के तीनों दिखना चाहिए, है तो ठीक है और नहीं है तो उसकी जगह पर क्या डाल देंगे, जीरो। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि बन रहा है कि नहीं, हम आंसर देखना चाहेंगे। सही? और ईमानदारी से आप पढ़ाई करो, जो भी नए बच्चे हो उसको शेयर करो और अधिक से अधिक बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ो, ताकि सबके सब बेनिफिटेड हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तब तक के लिए बस इतना ही, बाय। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा डॉट से टिपिकल है, देखेंगे डॉट्स। बाय।